बड़े नशे में था, शराब के नशे में धुत था। लोग देख करके हैरान में रह पड़ जाते, अरे हम लेखक को ढूंढ रहे हैं, शराबी को थोड़ी ढूंढने आए हैं। पड़ोसी बोलते नहीं यही है वो, इस पुस्तक का राइटर जो यही है। बड़े परेशान। अब इससे पूछा जाए तो कैसे पूछा जाए, इंतजार किया उन्होंने, भाई सवेरे तक का इंतजार करो भाई, जब तक उतरेगी नहीं तब तक जवाब तो देगा नहीं। सवेरे तक इंतजार किया गया, जैसे तैसे वो अपने होश में आए, होशो आवास में आया वो लेखक। सारे सिपाही वर्ग उससे पूछते हैं, एक बात बताना, ये पुस्तक जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, चरित्र कैसे निर्माण किया जाना चाहिए, ये आप ही ने लिखी है? हाँ बोले मैंने ही लिखी। लगता तो नहीं पुस्तक देख करके और आपको देख करके कहीं समझ ही में नहीं आता, पुस्तक में कुछ और है और जीवन में जीवंत अवस्था कुछ और दिख रही है। इसमें लिखा है जीवन कैसे सुदृढ़ अच्छा सुंदर चरित्र वाला बनाना चाहिए और तुम्हारे चरित्र को देख करके, ये तो पूरा पूरा पश्चिम का खेल है। तो वो राइटर की बात बोलता है, बोला तलवार बनाने वाला क्या तलवार चलाना जानता है? क्या कहा उसने, जो लोहार तलवार बनाता है वो क्या तलवार चलाना जानता है? लोहार से तलवार बना सकता है लेकिन वो चलाना नहीं जान सकता, चलाना तो छत्री ही जानता है जो युद्ध के मैदान में लड़ता है। बोले मेरी हालत तो उस लोहार की भांति है। तो आजकल के तथा कथित विद्वान, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे विद्वान जो प्रवचन में एकदम कुशल, ऐसी लच्छेदार शब्दों का प्रयोग, ऐसी साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग, ऐसे मुक्तक, ऐसे छंद, ऐसे शेरो शायरी, ऐसी कविताएं और ऐसे उदाहरण, ऐसे दृष्टांत जो उन्हें सुने तो सुनता ही रह जाए, सुनता ही रह जाए। लेकिन जब उसके रियल लाइफ में झांक करके देखा जाता है तो रियल लाइफ कुछ अलग नजर आती है और रियल लाइफ कुछ अलग ही नजर आती है। रियल लाइफ मतलब जो पिक्चर में रील बनती है ना, जितने भी फिल्म एक्ट्रेस एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उठा करके देखो, फिल्म में उन जैसा आदर्श कोई नहीं, उन जैसे महान, उन जैसे देश सेवा को रखने वाले, उन जैसे चरित्र का पालन करने वाले। और रियल लाइफ में झांक करके देखो तो उन जैसा, समझ में आ रही बात? तो उपदेशक वास्तव में कौन होता है? जो कथनी और करनी को एक करता है। बाकी ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, हाँ उनसे तात्कालिक सुनना बहुत अच्छा लगता है लेकिन वे स्वयं डूबते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बिल्कुल आप कहो कि हमसे तो अच्छा बोल रहे हैं, हमसे तो अच्छा प्रवचन, चार बातें धर्म की सुनने तो मिली जाएगी कम से कम, चार बातें यहां सुनने तो मिल जाएगी, लेकिन देखो तो सही उसका आचरण कैसा है जो कह रहा है कथन। एक बार की बात है, पर्यूषणपुर में एक बहुत बड़े विद्वान आए, पूज्यवर सुधा सागमारी ने घटना सुनाई थी। बोले उनके गांव में 10 दिन के लिए पंडित जी आए और पंडित जी बड़े अच्छे प्रवचन करते थे, लेकिन पंडित जी बोलते देखो मैं प्रवचन करता हूँ लेकिन रात्रि के समय मुझे केसर वाला दूध चाहिए फर्स्ट क्लास और ड्राई फ्रूट डला हुआ वाला दूध चाहिए। कब? 10 लक्षण धर्मों में जब लोग एकासन रखते हैं, व्रत रखते हैं, 10 उपवास रखते हैं, उस समय जो पंडित जी रात्रि के समय ड्राई फ्रूट मावा मिलाकर के रबड़ी वाला दूध, केसर वाला दूध, उसमें बादाम है, उसमें पिस्ता है, उसमें काजू है और उसमें सारे के सारे एक नंबर के ड्राई फ्रूट, जब तक उन्हें वो ना मिले, महाराज जी बताते थे, बोले हम थे ना जब गृहस्थ में रहते ना, हम ही लोग उनके लिए दूध प्रिपेयर करते थे। बोले हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, हमें तो लगा पंडित जी बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, पंडित जी के लिए सारी व्यवस्था करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वैयावृत्ति करना अपना कार्य। फिर बाद में समझ में आया ऐसे पंडितों से बच करके रहा करो, बिल्कुल बच करके रहना चाहिए। ऐसे पंडित पंडित नहीं माने जाते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो यदि आपकी ये धारणा है कि हमसे तो अच्छे ही हैं, चार शब्द सुन ले क्या जाता है,
कान में कुछ पड़ेंगे तो कुछ तो हो ही जाएगा, नहीं ऐसे उसे बच करके रहना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, व्यक्ति का चरित्र जो है शब्दों से कहीं अधिक जोरदार बोलने वाला होता है, प्रभावकारी होता है। तात्कालिक सुनना अच्छा लगता है लेकिन उसका प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। उपल नाव पत्थर की नाव की भांति है, पत्थर की नाव स्वयं भी डूबती है और दूसरों को भी डुबोती है। ऐसे विद्वान स्वयं तो डूबते ही हैं, अपने साथ कईयों को लेकर के डूब जाएंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर के डूबेंगे, बिल्कुल स्वयं तो डूबेंगे, कई लोगों को साथ में डूब के लेकर के डूब जाएंगे, बिल्कुल। तो ऐसों से बचना चाहिए, ये धर्म नहीं कहलाता है, ये स्वाध्याय नहीं कहलाता है। तो जैसे उसमें कहा है कि श्रोता की भी परीक्षा होती है, श्रोता के भी लक्षण हैं, ऐसे ही वक्ता की भी परीक्षा होती है और वक्ता के भी लक्षण होते हैं। यदि सामने वाला वक्ता उन लक्षणों में खरा उतर रहा है तो उसका प्रभाव अलग ही पड़ता है। जैसे आचार्य परमेष्टि, आचार्य भगवान देखो ज़्यादा किसी से कहते नहीं हैं, फिर भी हम आचार्य भगवान के दर्शन करते हैं, दूर से देख लेते हैं, उनके बारे में सुन लेते हैं, अपने आप त्याग के भाव होने लगते हैं। और उन विद्वानों से सुनोगे तो जो विद्वान स्वयं त्याग नहीं करते, उनसे सुनने के पश्चात त्याग का भाव ही नहीं होता है, सुन वो श्रोता ही रह जाएंगे, बस सुनने वाले हैं, वो करोता नहीं, करता नहीं होते कभी भी। वो बोलते हैं हम तो हमारा काम ही सुनने का है, करना थोड़ी हमारा काम है। आप लोगों का भी ऐसी है ना, काम मात्र सुनने का ही है ना, करने का भी है, कि सुन करके करने का। सारे के सारे श्रोता बन करके बैठते हैं हमेशा यहाँ पर, क्योंकि सभा श्रोता की है ना। तो श्रोताओं से कभी कल्याण नहीं होता है, कर्ताओं से कल्याण होता है, करने वालों से कल्याण होता है। करने वालों बनो, सुनना तो बहुत, उसकी कोई सीमा नहीं है। और आज वर्तमान में पंचम काल में तो कोई सीमा ही नहीं, लिमिट ही नहीं है, 24 घंटे आप टीवी ऑन करो, मोबाइल ऑन करो, ढेर सारे आपको धार्मिक चैनल मिल जाएंगे, सब में एक के बाद एक नॉन स्टॉप प्रवचन सुनाई देते ही रहेंगे। और इतना ही नहीं, आपके पास जो फैसिलिटी, आप जो चाहे, जिसको चाहे, जितना चाहे, जितने बार चाहे सुन सकते हो। तो पंचम काल में आप लोगों का सातिश पुण्य कर्म का उदय है। चौथे काल में तो 4 ही बार दद्दी विध्वनि खिड़ती थी, जब तीर्थंकर भगवान होते थे तो 4 ही बार सुनने के लिए मिलता था, उससे ज्यादा नहीं मिलता था। वो तो अपवाद था, एक्सेप्शन था कि एक आध बार किसी भव्य जो प्रमुख श्रोता है चक्रवर्ती आ जाता था तो एक आध बार एक्स्ट्रा खिड़ जाती थी। लेकिन चतुर्थ काल में जितना आपका सातिश है पुण्य कर्म का उदय है, उतना तो उन समय भी नहीं था। आप 24 घंटे सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं ना, मानना तो पड़ेगा इस बार पंचम काल में पुण्य बहुत है आप लोगों का, किसी को कोई कमी नहीं, जब वो चाहे ना। हर व्यक्ति प्रमुख श्रोता बनकर के बैठा है, भरत चक्रवर्ती की भांति, वो जब चाहे तब ऑन कर लेता है और वहां से प्रवचन लाइव शुरू हो जाते हैं। हाँ काम में आ जाए तो उसको पॉज भी कर लेगा थोड़ा सा, हाँ रुक के बाद में सुन लूंगा। यानी जितना आज सुना जा रहा है उतना तो चौथे काल में भी नहीं सुना गया, लेकिन जितना बेड़ा गर्क आज हो रहा है। यानी सिर्फ सुनने वाले हैं, करने वाले, हाँ उसमें आया ना, वो घड़ा नहीं होना चाहिए, वो चिकना घड़ा भी नहीं होना चाहिए और फूटा घड़ा भी नहीं होना चाहिए। सब कैसे हैं, फूटे घड़े हैं, ग्रहण तो कर रहे हैं लेकिन ऊपर से आ रहा है और छिद्र से वो रिश्ता हुआ चला जा रहा है, चला जा रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं, बताओ कितना सुन रहे हो हसैपुरा वालों, सवेरे से लेकर शाम तक सुनते ही रहते हो, सुनते ही रहते हो ना। हाँ बहुत सुन रहे हैं इस बार महाराज जी, बहुत सुनने को मिल रहा है, बड़ा पुण्य कर्म का उदय है। धारण कितना कर रहे हो, संग्रहित कितना कर रहे हो, यहाँ से सुन करके यहाँ निकाल दिया। हाँ हाँ पेपर में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। हाँ क्या बात है। तो समझो ये है, यानी आज वर्तमान के श्रोता और वर्तमान के वक्ता,
वर्तमान के श्रोता भी देख लो कैसे हैं, सुन सरोता जो काटने वाले हैं अथवा छिद्र वाले हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, सुन करके छोड़ने वाले हैं, अथवा उसमें से भी सार सार को छोड़ करके असार को निसार को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे चालनी है ना, चालनी के लिए भी मना किया है। कुछ श्रोता होते हैं चालनी की भांति, चालनी की भांति क्या है, चालनी जो होती है आटे को मैदा को तो नीचे रख लेती है और छिलके को अपने ऊपर अपने साथ रख लेती है। तो ऐसे श्रोता पंचम काल के जो सारभूत तत्व है उसे तो यहीं छोड़ देते हैं और जो असार है वो अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। बोले ऐसे श्रोता को भी उपदेश नहीं देना चाहिए, आचार्य वीरसेन स्वामी जी कहते हैं। ऐसे श्रोता तो नहीं है, मिट्टी की भांति, चिकने घड़े की भांति, फूटे घड़े की भांति, दंश मशक की भांति, मच्छर की भांति, कितना भी सुनाओ फिर बाद में आकर को डसता ही है, कान में आकर के गुनगुनाता है, पहले संगीत सुनाता है फिर बाद में काट लेता है। पहले तो बहुत आकर के प्रशंसा करेगा और धीरे से काट करके चला जाएगा। अथवा अही के लिए निषेध किया है, सर्प जैसा नहीं होना चाहिए, दूध पिलाओ फिर भी वो जहर ही उगलेगा। उस जोग के लिए मना किया है जो सही दूध को छोड़ करके खून पीती है, ऐसी नहीं। और उस भैंसे के लिए भी मना किया है जो स्नान करने के लिए जाता है तो पूरे तालाब को ही गंदा करके आ जाता है। कुछ ऐसे श्रोता होते हैं सभा में आते हैं, उनके आते ही क्या हो जाता है, हाँ मच जाता है, तालाब जैसे मच जाता है ना। वो भैंसा प्रवेश करता है नदी में तालाब में और ऐसा नहाता है कि पूरी गंदगी ऊपर आ जाती है। तो बोले ऐसे श्रोता को भी उपदेश नहीं देना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं यहाँ पर, हाँ उसमें जो उपदेश के ग्रहण करने वाले जो पात्र बताए हैं, हंस की भांति क्षीर नीर विवेक रखने वाले, दूध दूध तो हंस पी जाता है और उस जल को छोड़ जाता है, ऐसे विवेकशील श्रावकों को उपदेश देने के लिए कहा है। यानी जो सुनाया जाए उसमें प्रमुख प्रमुख ग्रहण कर ले, आत्मसात कर ले और निस्सार तत्व को वहीं छोड़ दे। हैं ऐसे हंस वाले श्रावक, विवेकशील दृष्टि रखने वाले, क्योंकि हंस की क्वालिटी होती है उसकी चोंच में एक फिल्टर लगा रहता है। हाँ बिल्कुल, एक फिल्टर होता है, दूध को ही वो पीता है। आप एक गिलास दूध रखो उसमें जो दूध दूध है वो तो पी जाएगा, उसमें जो वाटर कंटेंट है वो छोड़ देता है। ऐसा फिल्टर आज तक विज्ञान ने नहीं बना पाया जो हंस के पास इनबिल्ट रहता है, बाय बर्थ रहता है हंस के पास, जन्म से ये कला होती है। वो दूध दूध को ही ग्रहण करता है और जल को छोड़ देता है। इसी कहा जाता है क्षीर नीर विवेक, यानी क्षीर का अर्थ है दूध, नीर का अर्थ है जल। तो क्षीर को पीना और नीर को छोड़ना। महर्षि, हाँ जी, आपने बताया कि उपदेशक मान लो सही नहीं है, हाँ, लेकिन श्रावक हंस की भांति है तो उसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए या नहीं? उससे अच्छा वो खुद शास्त्र अपने आप में पढ़ ले तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि ऐसे उपदेशक से बचना, वो अपने स्वार्थ के लिए कब मिलावट कर देगा पता नहीं चलेगा, अपने पैसे के लिए, अपने बड़े लिफाफे के लिए। क्योंकि सभा ने, कुछ लोगों ने बोल कर रखा सभा में, भैया ऐसा उपदेश देना है ताकि हमारे मत की पुष्टि हो, भले ही वो गलत है, लिफाफा आपको बड़ा वाला मिलेगा, चिंता नहीं करना, सब जगह तो कम का मिलेगा, 11-21 का मिलता, बोला यहाँ 1-11 का मिलेगा, चिंता नहीं करना। जब 1-11 का लिफाफा दिखता है सब उसको उपदेशक को, मेरा क्या जाता है, प्रवचन ही तो करना है, मैं तो तुम्हारे अनुसार प्रवचन कर दूंगा, बोलना ही तो है, कहाँ मिलावट करना है। वो जो श्रोते, अब श्रोता भोले भाले होते हैं वो पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से उस दुग्ध में जहर घोलता है, वो सिर्फ वही जानता है अथवा कुछ लोग जानते हैं, बाकी कोई अन्य श्रावक भोले भाले जानते ही नहीं है। फिर वो पॉइजनस दुग्ध जो पी लेता है, जहरीला दूध पी लेगा, फिर उसके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। नहीं कहा जिनकी मुख शुद्धि हो गई है, हाँ, वो अन्य से भी यदि कोई ग्रहण करें तो क्या बात है, क्योंकि उनको उत्ता है जिसके भीतर इतनी पात्रता है,
वो सड़ दर्शन का ज्ञान रखता है, सही गलत की पहचान रखता है, उसके लिए निषेध नहीं है। पर आगम में आते हैं, न्याय ग्रंथों में प्रवेश तब कर लें जब उसका वैराग्य दृढ़ हो जाए। पहले संवेगनी और निर्वेगनी कथाओं का आलम्बन लिया जाता है, बाद में आक्षेपनी विक्षेपनी कथाओं का आलम्बन लिया जाता है। यानी आक्षेपनी विक्षेपनी मतलब खंडन मंडन वाले शास्त्र, न्याय वाले शास्त्र, कहाँ क्या कमी है ये परख रखने वाले शास्त्र। बाद में जिसका प्रवेश इसमें हो चुका है, जिसका फाउंडेशन मजबूत बन चुका है, नींव गहरी हो चुकी है, वह व्यक्ति इस योग्यता को पाता है कि वह आक्षेपनी विक्षेपनी वाले शास्त्र को पढ़ ले और सुन ले उन श्रोताओं को, उन वक्ताओं को। लेकिन 98% जो श्रोता होते हैं वो तो भोले भाले होते हैं, क्योंकि उनको अपने दुकानदारी से फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल में खीस तान के लिए भदैया वो बन दसैया वो बनते हैं, भदैया नहीं दसैया बनते हैं। 10 दिन के लिए समय निकालते हैं, 10 दिन के लिए धर्म करने का ठेका लेते हैं। बोले अब 355 दिन तो किया नहीं, 10 दिन कर लो। तब जो 10 दिन करने के लिए आएगा अथवा मुनि महाराज आ जाएंगे उस समय आ जाएगा, तो उसका इतनी पकड़ तो रहेगी नहीं, जो उसे सुनाया जाएगा वो मान लेगा। तो आप लोग क्या भदैया हो, दसैया हो कि सवैया हो, सदैया सदैया, हाँ एक भदैया एक दसैया होते, एक भदैया होते, एक सदैया होते, दस हाँ लड़ैया। तो दसैया यानी जो परिषण के 10 दिनों में धर्म करते हैं, भदैया मतलब पूरे भाद्रपद के महीने में धर्म करते हैं, और सदैया मतलब हमेशा धर्म करने वाले, और लड़ैया मतलब हमेशा लड़ने वाले। हाँ अनंत चतुर्दशी को लड़ैया में आते हैं। हाँ जिस दिन रसीद कटती है, हिसाब होता है, उस दिन लड़ने के हिसाब किताब दो हमको, कितना हुआ। हाँ तो यहाँ कैसे हैं, दसैया है, भदैया है, सदैया है, सदैया है, हमेशा धर्म करने वाले सभी प्रकार के हैं। हाँ मिलैया सब में मिल करके चलने वाले, थोड़ा ये थोड़ा ये, थोड़ा इसका पुट, थोड़ा दसैया का पुट, थोड़ा सदैया का पुट, थोड़ा भदैया का पुट, थोड़ा लड़ैया का पुट। हाँ सब ऐसे मिलनसार हैं सब, अभी सदैया वाले आ रहे हैं। हाँ अब व्रतों में भदैया दसैया वाले आएंगे। हाँ दसैया वाले परिषण परवार है, शिविर लगना है, मानसिकता बना लेना। हाँ तो क्या प्रसंग चल रहा था। क्या प्रसंग चल रहा था, उपदेशक और श्रोता, वक्ता और श्रोता। तो वक्ता का भी लक्षण है और श्रोता का भी लक्षण है। जो वक्ता की गद्दी पर बैठता है, उस सीट पर बैठता है, तो उसे स्वयं सोचना चाहिए मैं जो कह रहा हूँ उसके अनुरूप मैं कितना अपने जीवन में उतारता हूँ। कुछ लोग जीवन में उतारते हैं, कुछ लोग जीवन से उतार देते हैं। वक्ता भी हैं, कुछ जीवन में उतारेंगे, कुछ जीवन से उतार देंगे। नहीं मुनि महाराज की बात सुन करके यहीं से उतार करके चले जाएंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे वो अपने में, जीवन से उतार देंगे, अलग करो, बहुत सुना है। तो वक्ता भी जीवन में उतारने वाले होते हैं और जीवन से उतारने वाले होते हैं, श्रोता भी इस प्रकार के होते हैं। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी के हो, जीवन में उतारने वाले हो कि जीवन से उतारने वाले हो, जीवन में उतारने वाले। अच्छा ऐसे अपने मुंह मियां मिट्ठू। हाँ 4 महीने में परीक्षा हो जाएगी। हाँ समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया, हम क्या कह रहे थे हमें खुद ही नहीं मतलब पता चला, हम कहाँ पहुँच गए, भैया जी ने क्या प्रश्न कर दिया, तो वहाँ से हम पहुँच गए। लेकिन प्रासंगिकता बड़ा, आज हर समाज में यही स्थिति है, प्रायः हर व्यक्ति की यही धारणा है, बोले हमसे तो अच्छे ही हैं। हाँ चाहे वो विद्वान के प्रति हो, चाहे वो शिथिलाचारी साधु के प्रति हो, है ना, शिथिलाचारी साधु भी है। जब लोग हम लोग दिल्ली साइड थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश साइड थे चतुर्मास, तो वहां तो यही धारणा है, बोले हमसे तो अच्छे ही हैं,
हम तो देखो जब चाय खाते हैं पीते हैं इधर उधर चले जाते हैं गलत कार्य भी कर लेते हैं, लेकिन सामने वाले एक ही टाइम आहार कर रहे हैं, केश लंच भी कर लेते हैं, भले ही थोड़ा सा एसी में बैठ जाते तो क्या है, भले ही हीटर का प्रयोग कर लेते, भले ही मोबाइल रख लेते तो क्या है, हमसे तो अच्छे ही हैं। हाँ पंचम खा ले इतना कर रहे, कोई कम बात है? हीन सैनन के साथ इतना त्याग इतनी तपस्या कर रहे, कोई कम है? थोड़ा बहुत तो 19-20 दोस्त ठीक है, 28 नहीं सही, 25 मूलगुणी सही। श्रावकों की धारणा क्या है, 28 मूलगुण ना सही 25 ही सही, 25 वाला भी पास तो होते माना जाता है। हाँ हाँ बोले हमारी गुणग्राही दृष्टि है। श्रावक लोग क्या बोलते हैं, मैं गुणग्राही दृष्टि है, 28 मूलगुण ना सही 25, तो बोले सभी विद्यार्थी को 100 में से 100 थोड़ी आते हैं क्यों भाई, सभी को 100 में से 100 आते हैं क्या? कुछ 90 वाले भी होते हैं, कुछ 80 मार्क्स लाने वाले भी होते हैं, कुछ 70% 70 वाला पास, 70 वाला भी पास तो होता है कि नहीं होता है? 40 वाला भी पास हो जाता है, बोले 35% वाला भी पास हो जाता है, तो जब 35% वाला भी पास हो रहा है तो यहाँ तो 50% है, हमसे तो अच्छे ही है, क्या जाता है? समझो हमसे तो अच्छे हैं। कभी अंगूर और आम की तुलना होती है? तुलना आम की वैरायटी में ही होगी, हापुस है, लंगड़ा है, तोता परी है, कलमी है, दशहरी है, रत्नागिरी है, चौसा है, ये बादाम है, ये कि आप जाम की तुलना आम से करने बैठ जाओ। हाँ श्रावकों की तुलना श्रावकों से होती है। हाँ हमसे तो अच्छा है, हमसे तो अच्छे वाला नारा आपस में लगाया करो श्रावकों में। हाँ हमसे तो अच्छा श्रावक है, यानी एक प्राइमरी का स्टूडेंट है और एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, तो प्राइमरी वाला बोले हमसे तो अच्छे। भैया ग्रेजुएशन में पढ़ रहा ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन फेल भी तो हो रहा है, ये तो देखो कि नहीं, भले ही ग्रेजुएशन में है वो बीएससी कर रहा है, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर से वो आगे नहीं बढ़ना, तीन सब्जेक्ट में फेल, तो फेल तो फेल ही हो जाएगा, तो अच्छा कहाँ से हो गया? तो प्राइमरी वाले की तुलना प्राइमरी वाले से ही होगी, श्रावक की तुलना श्रावक से ही होगी, न कि श्रावक की तुलना श्राद्धुओं से हो। हाँ इस प्रसंग को समझो, जो जो ये लोग ये तर्क देते हैं कि हमसे तो अच्छे हैं क्या जाता है, उन्हें चिंतन करना चाहिए। यानी एक बच्चा है आपका वो फोर्थ क्लास में पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, भले बोले फेल हो रहा है पर है तो बड़ा, फेल तो फेल ही माना जाएगा, भले वो ऊपर की क्लास में फेल हो रहा है, उसे कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। हाँ भले ही वो छोटी क्लास में है और टॉप में आ रहा है तो उसके तो प्रोत्साहित किया जाएगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उससे तो बुलाया जाएगा, एट्थ क्लास में है 100% 99% लेकर के आ रहा है, और एक है जो फर्स्ट ईयर में फेल हो रहा है, कौन अच्छा है? तब उसकी तुलना 98th क्लास वाले बच्चों से होगी ना, कि जो फर्स्ट ईयर वाले से तुलना हो जाएगी, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं उनकी आपस में तुलना होगी। समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? जो जिस कैटेगरी का है ना, श्रावक की तुलना श्रावक से होगी, साधुओं की तुलना साधु से होगी। इस बात को सभी लोग समझें, तो ऐसी धारणा जो बना करके चले जा रहे हैं वो गलत धारणा है। महाराज श्री एक बड़ी ज्वलंत समस्या है समाज के लिए। हाँ क्या? जब कभी हमने जिनको आदर्श माना है और जो अपने आचरण के अनुकूल नहीं चल रहे हैं और समाज के बीच में आते हैं, तो समाज को कैसा व्यवहार करना चाहिए उनके साथ? क्योंकि हम भूखा भी नहीं रख सकते, उनको आहार भी देना पड़ेगा, उनकी भैयावृत्ति भी करना पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में समाज अपना उत्तरदायित्व कैसे निभाए? कर विवेक से काम। आचार्य भगवान कहते हैं अप्रभावना भी ना हो और स्थितिकरण भी हो जाए। अप्रभावना भी नहीं होना चाहिए और स्थितिकरण हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उनके गुरु के पास अथवा जो समझदार हैं अथवा जो सही आचरण वाले हैं उन तक उस बात को पहुंचाया जाए और उसके अनुरूप फिर उसे उन्हें समझाया जाए। हाँ प्रमुख को, समाज के प्रमुख लोगों को डरना भी नहीं चाहिए,
यानी बहुत पोलाइटली विनयपूर्वक निवेदन करके कि ये योग्य नहीं है, आपके योग्य नहीं है, समाज के भी योग्य नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा विदा करें। हाँ, भूखा तो किसी को नहीं रखना है, भूखा किसी को नहीं रखना है, लेकिन उन्हें रियलाइजेशन भी करवाना है कि योग्य कार्य नहीं है। जिस भूमिका में आप हैं, जिस पद में हैं, उस पद के योग्य ये ठीक नहीं है, ताकि सामने वाला भी महसूस करे। हाँ, उसको यानी हर्ट भी नहीं होना चाहिए। स्थितिकरण बहुत ध्यानपूर्वक होता है, बहुत धैर्य और गंभीरता से होता है, उसे जलील करके स्थितिकरण नहीं किया जाता है, उसका विश्वास जीत करके ऐसे व्यवहार के द्वारा स्थितिकरण होता है और वैसा किया जाना चाहिए। हाँ, समाज के प्रमुख लोग यदि अकेले आप नहीं कर सकते, प्रमुख लोग मिलकर के सामूहिक रूप से एकांत में हो हल्ला ना मचाते हुए कमरे में बैठ करके निवेदन करें तो व्यक्ति समझेगा। यदि नहीं समझ रहा है तो परिस्थिति देखें, बीमार है, वृद्धावस्था है, क्या प्रतिकूलता है, कारण क्या है, सारी अनुकूलता है फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर बड़े महाराज जी जैसा बोलते हैं ना, हाँ, यहाँ नहीं आती, लेकिन हम लोग जहाँ रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, वहाँ सब आती है सभी प्रकार से। हाँ, तो आप लोग समझदार हो, समझदार हो ना, चले। हाँ, अपन 23वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हाँ, हम ये कह रहे थे, प्रसंग यहाँ से शुरू हुआ था, उच्चारण अच्छे से किया करो। हाँ, ये कह रहे थे ना, हाँ, शा शा सा सा सब खा जाते हो, ये विषय था। हाँ, विसर्ग का उच्चारण होना चाहिए, अनुस्वार का उच्चारण होना चाहिए, दीर्घ ह्रस्व मात्रा है उसका उच्चारण होना चाहिए। हर अक्षर की अपनी ऊर्जा होती है, ये कहा जा रहा था, प्रसंग इसका चल रहा था। जैसा हमारा उच्चारण होता है उसके अनुसार उसकी ऊर्जा निर्मित होती है। तो जैसे शांति धारा में उन बीजाक्षरों का प्रयोग होता है, क प ल पम पम वम वम सम सम, तो वो ऐसे ही नहीं लिखा गया है। जब आप उच्चारण करोगे तो उस प्रकार की उच्च एनर्जी पैदा होगी और वो श्रावकों के लिए उपयोगी होती है। तो ऐसे जब स्तोत्र पढ़ रहे हैं आप, स्तोत्र में जिन अक्षरों का आचार्य भगवान ने प्रयोग किया है उस रूप से उसका उच्चारण करें। मात्र पढ़ने पर आधारित न रखें, पढ़ने पर ही को पढ़ने को ही सॉरी पुस्तक को ही सामने न रखें, उच्चारण व्यवस्थित होना चाहिए। तो आप लोग, हम ये कह रहे थे, बात वहां से शुरू हुई थी, खीर की चम्मच बन गए हैं सभी लोग। हाँ, खीर की चम्मच से बात शुरू हुई थी। महाराज सर, एक चीज और, हाँ, कि आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े जो प्रतिष्ठा यानी विधान आदि होते हैं, संगीतकार आते हैं, तो प्रतिष्ठाचार और संगीतकार इन बीजाक्षर मंत्रों को संगीत के साथ करते हैं, तो वह कहाँ तक उचित है? नहीं, मंत्र तो सही उच्चारण करें, फिर बाद में मंत्र का उच्चारण के पश्चात फिर आप अपना संगीत थोड़ा रख सकते हैं ताकि श्रावक का मन उसमें लगे, भाव पकड़ में आना चाहिए। उस लय से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका भाव जम रहे हैं तो कोई बाधा नहीं है। नहीं, उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, उच्चारण तो सही रखेगा वो, भले वो धुन के साथ कर रहा, लेकिन उच्चारण तो सही रखेगा। हाँ, तो प्रसंग ये चल रहा था, भक्तामर को पढ़ तो हर व्यक्ति रहा है, लेकिन खीर की चम्मच की भांति बन करके पढ़ रहा है, यानी स्वाद नहीं आ रहा है, उसे रस नहीं ले रहा है। इतने वर्षों से पढ़ते हुए आ रहे हूँ, कितने समय स्वाद आया आपको? आया भी कि नहीं आया? नहीं आया। हाँ, तो मात्र पढ़ना ही नहीं है, उच्चारण भी सही करना है और इसके अर्थ को भी समझना है और फिर भावार्थ तक भी प्रवेश करना है। हाँ,
शब्द, अर्थ और भाव, तीन चीज होती हैं। हम पढ़ रहे हैं, ये शब्द हो गए, एक शाब्दिक अर्थ है, फिर उसके बाद भावार्थ आता है। आगम में वर्णन आता है शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, पांच चीजें आती हैं। शब्द, नये, मत, आगम और भाव ने जो हमने पढ़ा वो शब्दार्थ हो गया। किस विवक्षा में ये लिखा गया है? ये नयार्थ हो गया। अब चूंकि ये भक्ति है, आदिनाथ प्रभु की भक्ति है, तो भक्ति परक जितने भी ग्रंथ होते हैं वहाँ पर व्यवहार की प्रमुखता होती है, यहाँ पर निश्चय की प्रमुखता नहीं होती है। भक्ति में कभी भी द्रव्यानियोग नहीं आना चाहिए, भक्ति में आत्मचिंतन नहीं आएगा, भक्ति में समर्पण आएगा, भक्ति में प्रभु को बहुत ऊंचा उठाया जाएगा, अपने आप को किंकर बनाया जाएगा, यहाँ पर मान कषाय के गलन की बात आएगी। मान कषाय के गलन से अर्थ लेना, जब हम प्रभु को ऊपर उठा रहे हैं तो प्रभु ही हमारे लिए सब कुछ हैं, वही हमारे लिए बचाने वाले हैं, वही हमारे लिए करने वाले हैं, वही हमारी रक्षा करने वाले हैं, वही हमें उठाने वाले हैं, वही हमें देने वाले हैं। जो भी हमें मिल रहा है सब आपकी कृपा से, आपकी बदौलत। ये भक्ति में यानी नयार्थ। अब कई लोग इस नयार्थ को ना समझ करके यहाँ पर व्यवहार नय को गौण करके निश्चय नहीं ला लेंगे, क्योंकि भक्ति में निश्चय होता ही नहीं है। भक्ति में दो हैं, भक्त है और भगवान, भेद है, और जहां भेद है वो व्यवहार का विषय, और निश्चय में अभेद है, वहां पर भेद की कल्पना ही नहीं, वहां भगवान की बात ही नहीं, वहां सिर्फ आत्मा की बात है। आत्मा का ही ध्यान है, आत्मा का ही चिंतन है, आत्मा के बारे में ही बोलना है, आत्मा के द्वारा ही बोलना है, आत्मा से ही करना, आत्मा के लिए ही करना है, आत्मा ही करने वाली और आत्मा में ही करना है। निश्चय में ये सब है। और जब हम भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, यदि हम कहें मैं तो शुद्ध हूँ प्रभु, आप भी शुद्ध, मैं भी शुद्ध, जब दोनों ही शुद्ध है तो भक्ति काय को कर रहे हो? आप भी भगवान, मैं भी भगवान, फिर भक्ति का क्यों कर रहे हो? जब तुम भी भगवान हो तो आदिनाथ भगवान, तू भी भगवान है तो फिर मेरी भक्ति करने क्यों आया? ये सामायिक के समय हूँ, स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम, ज्ञाता, दृष्टा, आत्म राम, मैं वो हूँ जो है भगवान, बस ये गायब हो जाता। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान, ये तो गायब कर देते सब। हाँ, इन्हें अंडरग्राउंड कर देते, जिसको अंडरलाइन करना चाहिए वो अंडरग्राउंड हो जाता है। तो भक्ति में दो भेद, भगवान और भक्त, और जहां दो आ गए वहां व्यवहार है। व्यवहार में निश्चय नहीं आ सकता। यदि आप इसमें निश्चय घुसेड़ रहे हो, प्रवेश करा रहे हो, तो नयार्थ का आपने उल्लंघन कर दिया, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आज हो रहा है। भक्ति में दूरी नहीं समाप्त हो सकती, भक्ति में दो ही रहेंगे। धारणा में वो लेके आएगा, चिंतन में लाएगा कि मैं भगवान जैसा ही हो रहा हूँ, भगवान बन नया गया हूँ। भक्ति में समर्पण है, प्रभु को ऊंचा उठाना है, अपने आप को एकदम नीचा ले जाना है, और जब हम ऊंचा उठाएंगे तो वो ही सब करने वाले, धरने वाले, पालने वाले, जिलाने वाले, बचाने वाले, उठाने वाले, देने वाले। जितनी भी निश्चय वालों ने पूजा बना दी है, सारा समय सार जो है पूजा में ला दिया है, ये सबसे बड़ा अनर्थ हो गया, अवर्णवाद हो गया। सुनो अब ध्यान से, अनयार्थ बिगड़ गया, अवर्णवाद हो गया, समय सार जो है पूजा का विषय है नहीं। पूज्यवर सुधा सागर जी ने बहुत अच्छी बात की थी, बोले आजकल बहुत सारे विधान बनने लगे हैं, समय सार विधान, प्रवचन सार विधान, नियम सार विधान। महाराज जी बोले अरे समय सार तो आत्मा का विषय है, मतलब ध्यान का विषय है, और विधान तो भक्ति का विषय है, वहां दो बात है। यानी आप लोगों ने द्रव्यानियोग को चरणानियोग में ला के रख दिया, कितनी तौहीन कर दी समय सार की। समय सार को कुछ बचा, कुछ रखा ही नहीं, बोले। तब कुछ पंडितों ने रियलाइज किया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, तो होना यह चाहिए, हमें भक्त को भगवान बनाना है, ऊपर उठाना है, लेकिन हम भगवान को नीचे ला रहे हैं, आत्मा को ही नीचे ला दिए, तो समयसार विधान नहीं होता कभी।
प्रवचन सार नियम सार विधान नहीं होता है। समय सार तो आत्मा का सार है, वो तो बैठा जाता है, ध्यान की अवस्था है, पूजा का विषय है नहीं समय सार कभी भी। समझ में आ रहे कि नहीं? तो ये नया अर्थ गड़बड़ हो जाता है, शब्दार्थ नया अर्थ समझो। शाब्दिक अर्थ तो शब्दार्थ से निकल जाएगा, लेकिन नया अर्थ लोग भूल जाते हैं। हम क्या कार्य कर रहे हैं? अभी आप पूजा कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हैं, प्रभु को स्मरण कर रहे हो, प्रभु का गुणगान गा रहे हैं। तो गुणगान गा रहे हैं तो गुणस्तोकम सदुल्लंग तद बहुत कथा स्तुति, थोड़ों को थोड़े को ज्यादा कहना ये झूठ नहीं है, सत्य है। भगवान की भक्ति कोई झूठ का पुलिंदा नहीं होता है। जब हमने पिछले कटनी में पढ़ाया था तो बहुत एक दिन घंटे तक बोला था इसमें, क्या भगवान की भक्ति झूठ का पुलिंदा है? वैसे देखा जाए तो कथनचित कथनचित भगवान हमें बचा सकते हैं, भगवान हमें कुछ दे सकते हैं, भगवान हमें ऊपर उठा सकते हैं, एक द्रव दूसरा देव का कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर भगवान दे नहीं सकते, बचा नहीं सकते, रक्षा नहीं कर सकते फिर? लेकिन भक्ति में वे ही सब करने वाले हैं, निश्चय में वे नहीं करने वाले। निश्चय में कभी भगवान नहीं आते, निश्चय में सिर्फ आत्मा आती है। सामायिक में सबको भूल जाओ, नमोकार को भी भूल जाओ, आदिनाथ भगवान को भी भूल जाओ, आचार्य मानदुम समझ को भूल जाओ, सिर्फ अपनी आत्मा को याद रखो। लेकिन जैसे ही व्यवहार में आए, भक्ति में आए, प्रभु आप ही सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है नया अर्थ क्या कहलाता है? तो भक्ति यानी भेद व्यवहार का विषय, व्यवहार में निश्चय मत प्रवेश कराओ, व्यवहार में द्रव्यानियों नहीं लेके आओ, अध्यात्म न लाओ। मतार्थ किस मत की अपेक्षा कथन किया जा रहा है? जैन मत है, अन्य मत है, षड्दर्शन है, बौद्ध मत है आदि, ये देखना पड़ता है। आगमार्थ कौन से आगम का, प्रथमानियों का है, करणानियों का है, चरणानियों का, द्रव्यानियों का है, उसके अनुसार भी देखा जाता है। फिर इन चार के पश्चात अंत में जाकर के भावार्थ निकलता है।